गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। आप लोग ध्यान से देखें एक चीज़, चैप्टर 9 मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी मीडियन एंड मोड। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में हम लोगों ने मीन को क्या कर दिया है, कैलकुलेट कर दिया है। हम लोग को इसमें पढ़ना क्या, ध्यान से देख लीजिए। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स आपका पहले इंट्रोडक्शन मीडियन, फिर कंप्यूटेशन ऑफ मीडियन। किस सीरीज़ में हम लोग को कैलकुलेशन करना है, तो इंडिविजुअल सीरीज में, डिस्क्रीट सीरीज में, कॉन्टीन्यूअस सीरीज में। ठीक है, ये सीरीज़ हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, आप देखिए। फिर उसके बाद है हमारा मीडियन इन स्पेशल केस। इन स्पेशल केस में आप क्या पढ़ेंगे, क्यूमुलेटिव सीरीज। क्यूमुलेटिव सीरीज में क्या होता है, लेस देन आर मोर देन। सेकेंड है मीड वैल्यू आर गिवन, वेन मीन वैल्यू आर गिवन देन आई विल कैलकुलेट मीडियन इन स्पेशल केस। फिर है आपका इंक्लूसिव क्लास इंटरवल, ओपन एंड सीरीज, अनइक्वल क्लास इंटरवल्स। इतना सा इस सारे केसेस में हम क्या करेंगे, मीडियन को कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद आपका है ग्राफिक्स लोकेशन ऑफ मीडियन, हम पढ़ना है इसमें। तो हम लोग लेस देन एंड मोर देन ऑगी मेथड पढ़ेंगे, लेस देन या मोर देन ऑगी मेथड पढ़ेंगे। फिर प्रॉपर्टीज ऑफ मीडियम, मीन वर्सेस मीडियम, ये आपका आ जाएगा थ्योरी पोर्शन। फिर मेरिट एंड डिमेरिट्स मीडियम, एप्लीकेशन ऑफ मीडियम। उसके बाद आपका रहेगा क्वार्टाइल, हम लोग क्वार्टाइल्स पढ़ेंगे उसको भी। पहले चलिए हम लोग पहले इतना पढ़ रहे हैं, फिर क्वार्टाइल्स और मोड आगे के बाद में बताया जाएगा। देखिए यहाँ से स्टार्ट करेंगे। मीडियन क्या होता है, ध्यान से देख लीजिए, और आपके पास अगर बुक ना हो तो आप लोग लिख भी सकते हैं। मीडियन मे बी डिफाइंड एज द मिडिल वैल्यू इन द डेटा सेट व्हेन इट्स एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन ए सिक्वेंटियल ऑर्डर दैट इज इन आइदर असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। इट्स वैल्यू इज सो लोकेटेड इन ए डिस्ट्रीब्यूशन दैट इज डिवाइड्स इट इन हाफ विथ 50% आइटम बिलो इट एंड 50% अबव इट। ध्यान दीजिए, सिर्फ इतना समझिए। मीडियन जैसे हम लोगों ने मीन पढ़ा, तो मीन क्या था, एवरेज वैल्यू होती है, मतलब किसी भी डेटा का औसत उसमें कैलकुलेट करते हैं। और मीडियन में हम क्या करते हैं, ऐसी संख्या ज्ञात करते हैं जो किसी भी, जो सिक्वल में हो, मतलब कोई भी डेटा यानी कोई भी श्रेणी हो, तो उसको ठीक एकदम आधे में बांट दे, यानी कि 50% ऊपर के हो और 50% नीचे के। जैसे 1 to 9 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, तो इसको हम अगर हम बांटेंगे तो उसके ठीक बीचों बीच की संख्या जो आती है, ऐसी संख्या जो किसी भी सीरीज़ को एकदम बराबर, यानी कि 50% ऊपर 50% नीचे, यानी कि दोनों को बराबर बराबर में भागों में क्या करती है, बांट देते हैं, तो उसे हम कहते हैं मीडियन, जिसको हिंदी में मध्यिका भी बोलते हैं। अब देखिए आगे ध्यान दीजिए, यहाँ पे देखिए अब हम लोग पढ़ेंगे कंप्यूटेशन ऑफ मीडियन। द मीडियन कैन बी कैलकुलेटेड इन द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो हम मीडियन कैलकुलेट किस में करेंगे, फर्स्ट हम करेंगे इंडिविजुअल सीरीज, सेकेंड है डिस्क्रीट सीरीज, और थर्ड है आपका कंटिन्यूअस सीरीज। सबसे पहले आप देखिए इंडिविजुअल सीरीज़ में देखिए दिया है, आप लोग वीडियो को पॉज करके लिख भी सकते हैं, अगर बुक है तो कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे भी हम लोग, हम इसका नोट आप लोग को भी प्रोवाइड करा देंगे कि आप लोग कैसे एकदम, जैसे मतलब एक सीरीज़ में अपना अच्छे से नोट तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए दिया है, टू कैलकुलेट मीडियन इन द इंडिविजुअल सीरीज़ द फॉलोइंग स्टेप आर नीडेड। जैसे इंडिविजुअल सीरीज़ में कैलकुलेट करने के लिए फर्स्ट, पहला स्टेप क्या करना है, तो पहले हमको अरेंज द डेटा इन असेंडिंग आर डिसेंडिंग ऑर्डर। सबसे पहले मीडियन में एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, मीन में तो नहीं लेकिन मीडियम में जब भी डेटा गिवेन हो उसको आप असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या करेंगे, लिखेंगे, यानी कि उसको अरेंज करेंगे असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में। सेकेंड स्टेप क्या होगा आपका, उसके बाद अप्लाई द फॉलोइंग फार्मूला। ध्यान दीजिए ये इंडिविजुअल सीरीज में है आपका, न कि कंटिन्यूअस और डिस्क्रीट में। ठीक है ना, ये वाली क्रिया अरेंज द डेटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, ये सब सीरीज में करना, लेकिन आपका डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस सीरीज में भी वो हमेशा अरेंज ही होगा, लेकिन इंडिविजुअल जो कि
मतलब सभी आइटम्स क्या होते हैं, एक दूसरे से फ्री होते हैं, मतलब कोई एक यह नहीं कि एक दो तीन चार या दो चार छः आठ, ऐसा तो होता नहीं, वो इंडिविजुअल ऐसे होते हैं, मतलब दो है तो पाँच आ गया, तो छः आ गया, फिर आठ आ गया, ऐसे करके रहता है। जैसे किसी भी क्लास का मार्क्स ले लेते हैं हम लोग, किसी भी बच्चे की हाइट, तो ये क्या होता है, वो इंडिविजुअल सीरीज में आते हैं। ध्यान दीजिए, अप्लाई द फॉलोइंग फार्मूला मीडियन, तो हम फार्मूला देखे लिखिए, द साइज ऑफ यन प्लस वन अपॉन टू थ, ये ध्यान दीजिए थ आइटम, यानी कि थ आइटम मतलब जो ये कैलकुलेशन करेंगे जो निकलेगा वो वाला पद होगा, ये नहीं कि जो इसमें आंसर आएगा वो होगा, अभी हम कैलकुलेशन से आपको समझा देंगे। वेयर यन क्या होता है, नंबर ऑफ आइटम, मतलब कितने आइटम आपके गिवेन है इसमें, ठीक है। आप देखिए ऑड और इवेन नंबर्स ऑफ आइटम, ऑड और इवेन आप समझते हैं, ऑड मतलब क्या होते हैं, आपकी विषम संख्याएं, जैसे आपकी पांच संख्याएं हो, सात संख्याएं हो या तीन संख्याएं हो, तो ये क्या होता है आपका ऑड, और फिर उसके बाद दो है, चार है, छः है, आठ है, तो वो इवेन। तो देखिए इन केस ऑफ ऑड नंबर ऑफ आइटम्स मीडियन, मिडिल अगर ऑड नंबर दिया है तो मिडिल आइटम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होगा, मतलब जो सबसे मिडिल में होगा वो आपका क्या होगा, आंसर होगा। लेकिन दिया यहाँ पे इन द केस ऑफ इवेन नंबर आइटम्स मीडियन एवरेज ऑफ टू मिडिल आइटम, जब आपका इवेन नंबर गिवेन होगा तो उसका एवरेज ऑफ टू मिडिल आइटम, ये आपका आंसर होगा। अभी इसको शायद ना समझ में आ रहा होगा, अभी हम इसको कैलकुलेशन के द्वारा क्या करेंगे, समझा देंगे, ध्यान दीजिए। चलिए सवाल करते हैं हम लोग। आप लोग का क्लास इवेंट से स्टैटिस्टिक्स है, इकोनॉमिक्स फॉर स्टैटिस्टिक होता है आपका, फॉर स्टैट, ध्यान दीजिए। आज हम लोग पढ़ेंगे मीडियन। देखिए पहला हम क्या पढ़ेंगे, इंडिविजुअल सीरीज, इंडिविजुअल सीरीज, जिसमें पहला चीज हम देखेंगे ऑड नंबर, जब हमारे डेटा किस में है, ऑड नंबर से, यानी नंबर ऑफ आइटम कितने हो, ऑड में हो, ऑड नंबर्स सीरीज। अब ध्यान दीजिए इसको, जैसे सवाल में दिया है, एग्जाम्पल समझिए, एग्जाम्पल से दिया है कि मार्क्स ऑफ फाइव स्टूडेंट्स, मार्क्स ऑफ फाइव स्टूडेंट, मार्क्स ऑफ फाइव स्टूडेंट्स आर 55 कंप्यूट मीडियन, कंप्यूट मीडियन, ये सीरीज है आपकी। देखिए ये कौन सी सीरीज है, 42 40 60 55 50, ये आपकी इंडिविजुअल सीरीज है। इसमें हम कैसे करो, तो फर्स्ट स्टेप क्या कह रहा है आपका, फर्स्ट स्टेप जो था वो कहता है कि सबसे पहले हम सीरीज को क्या करेंगे, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में कर देंगे। तो हम पहले इसको लिखेंगे, मार्क्स अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर, तो असेंडिंग ऑर्डर में आपका क्या होगा, 40 42, फिर उसके बाद 50 के बाद 55, उसके बाद आपका 60। देखिए हम क्या कर दें इसको असेंडिंग ऑर्डर में क्या कर दें, सजा दें, 40 42 50 55 60। सेकेंड स्टेप आपका क्या बोला है कि अप्लाई फार्मूला, तो हम फार्मूला आप हमेशा पूरा लिखेंगे, मीडियन इज इक्वल टू क्या होता है आपका, ध्यान दीजिए, साइज ऑफ, ये आपको लिखना अनिवार्य है, साइज ऑफ
एन प्लस वन अपॉन टू आइटम। इसका मतलब होता है कि ये जो कैलकुलेशन करेंगे वो वाला पद इसमें मीडियन होगा। हम फार्मूला साइज आप देखेंगे, एन कितना आपका, तो कितने नंबर ऑफ आइटम है, वन टू थ्री फोर फाइव। वो दिया है सवाल में कि मार्क्स ऑफ फाइव स्टूडेंट्स, मतलब पांच विद्यार्थी, तो यहाँ पे हम लिखेंगे फाइव प्लस वन अपॉन टू आइटम। कैलकुलेट करिए कितना आया आपका, आएगा थर्ड थ्री आएगा, तो आप लिखेंगे यहाँ पे साइज ऑफ थ्री थर्ड आइटम। ठीक है, तो थर्ड आइटम क्या है, इसमें ध्यान दीजिए, ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड, यानी थर्ड आइटम यानी मीडियन इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 50। मीडियन आपका कितना हो गया, सॉरी 50, समझ में आया। अब हम देखते हैं दूसरा एग्जांपल, समझिए इसको। दूसरा एग्जांपल वेन आपका, हम लोग क्या किए कि जब आठ नंबर था, अब हम करेंगे इवेन नंबर। इवेन नंबर, इवेन नंबर में देखिए, इवेन नंबर में देखिए सवाल, एग्जांपल्स का इवेन नंबर का सवाल दिया है। मार्क्स ऑफ सिक्स स्टूडेंट्स, मार्क्स ऑफ सिक्स स्टूडेंट्स, सिक्स स्टूडेंट आर 42, 40, 60, 55, 50 and 65। कंप्यूट, कैलकुलेट या कंप्यूट, कैलकुलेट, कैलकुलेट मीडियन। तो इसमें भी क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए ध्यान से, फर्स्ट स्टेप हम फॉलो करेंगे, हम इसको क्या करेंगे, अरेंज्ड मार्क्स, अरेंज्ड जी, अरेंज्ड इन एसेंडिंग ऑर्डर, एसेंडिंग ऑर्डर, इसको हम पहले क्या करेंगे, एसेंडिंग ऑर्डर में लिख लेंगे। तो एसेंडिंग ऑर्डर में लिखिए क्या होगा आपका, एसेंडिंग ऑर्डर में सब पहले सबसे छोटा होता है 40, 42, 50, फिर 55, 60 और 65। ये आपका हो गया 40, 42, 50, 55, 60, 65, ये आपका असेंडिंग ऑर्डर हो गया। सेकंड स्टेप क्या करना है, फार्मूला अप्लाई करना है ये वाला आपको, तो आप लिखेंगे साइज ऑफ एन प्लस वन अपॉन टू थ आइटम। तो देखिए कितना है नंबर ऑफ आइटम, एन नंबर ऑफ आइटम कितना है, तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, यानी कि साइज ऑफ सिक्स प्लस वन अपॉन टू थ आइटम। कैलकुलेट करें तो ये सिक्स प्लस वन सेवन, ये तो इतना आ जाएगा थ्री पॉइंट आपका आएगा 3.5 आइटम। तो सीरीज में 3.5 आइटम तो कोई दिया नहीं है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे। टू गेट मीडियन देखिए यहाँ पे, टू गेट मीडियन सम ऑफ थर्ड, सम ऑफ थर्ड आइटम एंड, आइटम एंड फोर्थ आइटम इज डिवाइडेड बाय, इज डिवाइडेड बाय टू। क्योंकि बोल रहा है कि जब आपका वो देखिए यहाँ पे जब इवेन नंबर दिया था, सॉरी इवेन नंबर दिया तो लिख रहा है ना कि एवरेज ऑफ टू मिडिल आइटम, एवरेज ऑफ टू मिडिल आइटम। तो देखिए इसके लिए क्या करेंगे, हम निकालेंगे मीडियन, क्योंकि 3.5 आया है आपका, तो इसलिए 3.5 आया तो थर्ड आइटम होगा और प्लस फोर्थ आइटम। तो आपकी सीरीज में
थर्ड आइटम देखिए ध्यान से दिया है 50 और प्लस फोर्थ आइटम दिया है आपका 55/2 तो कितना हो जाएगा आपका आंसर 52.5 यानी कि आपका मीडियन बराबर आएगा यहाँ पे मीडियन बराबर 52.5। आई होप आप लोग को समझ में आया हो। देखिए थर्ड आइटम इसमें 1, 2, 3 थर्ड आइटम 50 है और फोर्थ आइटम आपका 55 है। तो ये आपका इवन और ऑड नंबर और आपकी इंडिविजुअल सीरीज क्या हुई ख़त्म हुई। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे आपको इसके लिए सवाल भी सेंड कर देंगे प्रॉब्लम्स भी सेंड कर देंगे एक्सरसाइज से। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे मीडियन इन डिस्क्रिप्शन।